शांति 6:11 के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती है, जिससे तुम ब्राह्मण सो देवता बन जाते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। जवाब, तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। ओहो, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः ही रॉयल हो जाएगी। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे, आपस में बहुत प्यार रहेगा। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। मेन पॉइंट्स, बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए अब हमें यह समझ है कि यह संगम युग चल रहा है। कलयुग के बाद सतयुग, सतयुग नई दुनिया आती है। कहते हैं, ईश्वर इनको सदैव सुमत अथवा अच्छी मत दे। वह सारी दुनिया का बाप है, सबको ही अच्छी मत देता है। संगम युग पर तो हम सब बच्चों को अच्छी ही मत मिलती है। बाबा कहता है, देखो तुम बच्चे यहाँ आए हो, तुम्हें बाबा का परिचय मिला है, इसलिए तुम औरों को भी पहले बाप का परिचय दो, उनको यह बताओ, गीता का भगवान कौन, शिव या श्री कृष्ण? बाबा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो, अभी बाप आया है, हमें पुण्य आत्मा बनाता है। तुम ये भी जानते हो, पुण्य आत्मा किसे कहा जाता और पाप आत्मा किसको कहा जाता। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि पवित्र परमात्मा, पाप परमात्मा, नहीं, ये तुम जानते हो। तुमने ही विश्व पर राज्य किया था। कलयुग पर तो कोई भी पूरे विश्व पर राज्य कर नहीं सकता है। ये किसी को भी पता नहीं कि तुमने कैसे राज्य किया। यह दुनिया तो कांटों का जंगल, बांस का जंगल, सूख जाता है तो आपस में टकराने पर ही आग लग जाती है। यह दुनिया ऐसी जड़जड़ी भूत हो गई है। लेकिन तुम्हें तो अपनी ज्ञान की मस्ती में रहना चाहिए। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम्हें विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते, अपनी अवस्था देखनी है, मेरी अवस्था कैसी है। ज्ञान जब पूरा होगा तब बाबा कहते, बच्चे मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। तुम्हें मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकालने हैं, ज्ञान रतन ही मुख से निकालने हैं। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम्हारी बुद्धि में रचयिता रचना की नॉलेज है, इसलिए जवाबदारी भी है। बाकी माया के तूफान तो बाबा ने कहा आते ही हैं। कहाँ कहाँ तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है, चलते चलते डिससर्विस करते हैं। बाबा कहते, कोई भी छीछी काम नहीं करो। हमेशा बाबा कहते, बच्चे ध्यान रखो, हम ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार हैं। ब्रह्मा कुमार कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग धारणा है। वाणी से जो सुनते हो उस पर मंथन करना है। पुरुषोत्तम बन रहे हैं, इसलिए चलन बहुत रॉयल बनानी है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर रहना है। कोई भी छीछी गंदा काम करके डिस सर्विस नहीं करनी है। आज का वरदान, एक रस स्थिति द्वारा अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतिंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्री के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अतिंद्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, तो बाबा ने कहा सब समाप्त हो जाती है हलचल। एकरस अवस्था बनने में अतिंद्रिय सुख की फिर अनुभूति होती है। स्लोगन, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो,
तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। आज का स्वमान रहेगा, मैं अतींद्रिय सुख वाली आत्मा हूँ, तो अतींद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सब आकर्षणों से परे।